अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा। अगर तुम कहोगे तो मैं पेमेंट कर दूँगा। दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इन कंडीशंस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ डबल फ्यूचर की, यानी इन सेंटेंसेस में मेरे दो बार फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कंडीशन ये है कि ये दोनों सेंटेंस जो आपको तो लग रहे हैं कि ये फ्यूचर में है, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं बनेंगे। इसमें क्या कंडीशन होती है, कैसे आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं, ये सारा मैं आपको अपनी इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है जस्सी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल गुड लक इंस्टीट्यूट अ स्टेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों का डबल फ्यूचर का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका डाउट क्लियर करने वाला हूं, जिससे कि अगर कभी आप ऐसे कंडीशनल सेंटेंस बनाते हो तो आपका उसमें एरर ना आए और आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि अगर ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर नहीं है तो इनको कैसे बनाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और या अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो विदाउट एनी डिले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। तो दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और उनके रूल लिखे हैं कैसे हमें ये डबल फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंसेस करने हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, लिखा हुआ है डबल फ्यूचर, यानी इनके अंदर जो सेंटेंस है उन दोनों सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये दोनों सुनने में लगते हैं कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर पहले वाले पार्ट में भी आपको गा गी गे या होगा की बात समझ में आएगी, इस वाले सेकंड पार्ट में भी आपका गा गी गे या होगा की बात आपको आएगी। तो ये दोनों के दोनों ही हैं, हमारे साउंड करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की तरह, लेकिन इसमें दोनों में आपका रूल फ्यूचर इंडेफिनेट का नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा, आपका जो फर्स्ट रूल है आपका, ये जो रूल है आपका, ये आपका लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, यानी आईडी, यानी जो सेंटेंस में पहचान आपको मिलेगी वो तो आपको फ्यूचर इंडेफिनेट की मिलेगी, लेकिन इसमें जो ये रूल लग रहा है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का लग रहा है। और यहां पर जो आपका रूल होगा वो फ्यूचर का ही रहेगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट ही रहेगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट के बाद आपको सिर्फ विल यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आपको विल ही यूज करना है, आपको शैल यूज करने की जरूरत नहीं है। इस वाले केस में हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस का यूज करना है। एसईएस का यूज आपको तभी करना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी जब आप ही शी इट किसी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तभी आपको वर्ब के साथ एसईएस लगाना है, अदरवाइज आपको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर ये सेंटेंस आपके नेगेटिव होते हैं तो आपको आई वी यू दे के साथ डोंट का यूज करना है और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ आपको डजंट का यूज करना है, और यहां तो सिंपल आप इसके साथ ही नॉट यूज कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ हमारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। दोस्तों, जब कंडीशन की हम बात करते हैं तो कंडीशन हमारी शुरू होती है अगर से या जब से। तो अगर के लिए हम इफ का यूज करेंगे और जब के लिए हम वेन का इस्तेमाल करेंगे। जहां आप अगर की बात कर रहे हैं, जहां आप वेन की बात कर रहे हैं यानी जब की बात कर रहे हैं, अगर के लिए इफ और जब के लिए आप वेन का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस है हमारे पास, अगर आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे। अब देखिए, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं जनरली सेंटेंस क्या बना देते हैं, इफ यू विल लाइक माई वीडियो। अब यहां पर जो दूसरा इसका पार्ट रह गया है ये भी आपका फ्यूचर में आ रहा है, तो आप उसको भी फ्यूचर इंडेफिनेट में बना दोगे तो इससे सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा ये वाला पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखना है। अगर का मतलब हो गया इफ। अब ये है, आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, यानी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, आप इस तरह समझिए कि यहां पर करोगे की जगह हमने क्या कर दिया, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो हम क्या बताएंगे, सब्जेक्ट हमारा आ गया यू, वर्ब है हमारा पसंद करना यानी लाइक करना, लाइक ही रह गया हमारा, कोई एसईएस हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ ही हम वर्ब के साथ एसईएस का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं। इफ यू लाइक क्या रह गया हमारा, ऑब्जेक्ट मेरी वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियो। इस तो के लिए बच्चे क्या करते हैं कई बार सो या देन का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, यहां पर सिंपल इसके लिए कोमा आ जाता है। आप बोलने में तो कॉमन बोलोगे नहीं आप किसी को, तो आप क्या करोगे वहां पर एक पॉज ले लोगे, जैसे इफ यू लाइक माई वीडियो, मैं यहां पर रुक गया, मुझे अच्छा लगेगा, आई विल फील गुड, मुझे अच्छा लगेगा, हमारा सब्जेक्ट पहले आ गया आई, हमने विल लगा दिया, वर्ब है हमारा लगना, लगना मतलब फील हो गया, अच्छा मतलब गुड, आई विल फील गुड। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा, इफ यू लाइक माई वीडियो आई विल फील गुड,
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा, यानी अगर बारिश होती है तो मैं नहीं आऊंगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, इफ इट रेन्स। अब हमने यहां पर एस का इस्तेमाल कर दिया क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इफ इट रेन्स। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, बारिश होती है तो रेन कम से लगा देते हैं, बारिश आती है रेन कम से लगा देते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप वेदर की बात करते हैं तो हमेशा आपका सब्जेक्ट जो है वो इट बनता है, यानी जो कभी भी आप वेदर यानी मौसम की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक इट बनता है, और रेन हमारा यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। तो इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी यानी अगर बारिश होती है तो मैं नहीं आऊंगा, कोमा लगा दिया हमने, मैं नहीं आऊंगा, I will not come, मैं नहीं आऊंगा, I will not come। एक और है, जब तुम कहोगे, यानी जब तुम कहोगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा, जब तक तुम कहोगे नहीं मैं पेमेंट करूंगा, नहीं तो कंडीशन क्या है, जब तुम कहोगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा, यानी अगर तुम कहोगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा। बात वही है, जहां जहां मैं जब की बात कर रहा हूं वहां वहां मैं अगर भी लगा सकता हूं, जहां जहां मैं वेन लगा रहा हूं वहां वहां इफ भी लग सकता है, जहां जहां मैं इफ लगा रहा हूं वहां वहां मैं वेन भी लगा सकता हूं। मैं जब तुम कहोगे, वेन यू से यानी जब तुम कहते हो मैं पेमेंट कर दूंगा, आई विल, पेमेंट करना क्या होता है, मेक द पेमेंट, मेक द पेमेंट, आई विल मेक द पेमेंट। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आपके पास डबल फ्यूचर के सेंटेंसेस आते हैं और आपको उसमें कंडीशन मिलती है, कंडीशन मतलब जब तक ये फर्स्ट वाला काम नहीं होगा दूसरा वाला काम नहीं होगा, यानी जब तक फर्स्ट वाला एक्शन नहीं किया जाएगा सेकेंड वाला एक्शन नहीं होगा। ये कंडीशन है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी बहुत सारी इंग्लिश वीडियोस मिलेंगी। तो कंडीशन क्या है, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरे बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश की नहीं मिलेंगी, तो कंडीशन हो गई ये। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखना, जो ये कॉमन एरर होता है बच्चों का, क्योंकि दोनों को समझ लेते हैं कि ये फ्यूचर के हैं हमारे और दोनों में फ्यूचर का रूल लगा देते हैं जिसकी वजह से इनके सेंटेंस गलत हो जाते हैं, ये गलती आप मत करना। अगर अभी भी आप लोगों को डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और जाने से पहले एक लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।